धारणासन प्रणाम। तीतेज अध्याय को विष्णु तीतायन गजतो मखई त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ साधन करते हैं और द्वापर युग में परिचर्या मंदिर में अर्चन और कलौतद हरि की। कलयुग में वही साधन सिद्ध हो सकता है केवल हरि संकीर्तन द्वारा। इसलिए केंद्र खोलना मैंने मंदिर खोलना, तो मंदिर में आस्ते आस्ते आदमी का क्या नाम आकर्षण कमती हो जाना। क्यों क्यों सिखाया जाता है गॉड कुछ नहीं है मंदिर में, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, बहुत समाज हो गया मंदिर में, बोलता है पत्थर पूछ के हरी मिले माई तुझे पहाड़ ये सब बोलता है, जो ये पत्थर पूछ के क्या होगा तो प्रोपेगेंडा है ना। और ये समाजी लोग भी प्रोपेगेंडा करता है, मंदिर में क्यों जाते हो, मंदिर में क्या रखा है। तो आदमी तो मूर्ख होता ही है, पांच लागे तो भूत भागे, पांच आदमी प्रोपेगेंडा कर दिया तो समझ जाता है। साधारण मनुष्य शूद्र होता है तो जानते नहीं, इसलिए मंदिर का प्रभाव कमती होते जाता है सब जगह में, यह नहीं बाहर में भी चर्च में कोई नहीं जाता, चर्च सब बिक रहा है। हम लोग बहुत से चार्ज खरीद गया है मंदिर बनाने के लिए, लंदन में तो हजार अच्छा अच्छा चार्ज है बहुत। आपका हेतु क्या है ये फैमिली बनाने में? हेतु है जो आदमी सब भगवान को भूल करके जहन्नम में जा रहा है इसको बचाना है। जहन्नम में जाते आप कैसे बचाओगे? यही कीर्तन से। अभी मंदिर से कीर्तन में जाना मानते हो? हाँ, कली जी का ही साधन है ना, करो तद हरि की तरह, वही तो पहले समझा। जो कृति जग धारत विष्णु तीतायंग जजतो मखई दाहरे परिचर्यायांग कलो तद हरि कीर्तन। कलिजिंग में हरि कीर्तन द्वारा वो साधन सिद्ध हो। अभी आपने बताया कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा से सब कुछ होता है, लोग पत्थर को क्यों पूछते हैं, ऐसा भी ऐसी हवा भी होती है, आपका ये प्रोपेगेंडा है इसमें भी ये एक प्रोपेगेंडा से एक काम होता तो ये प्रोपेगेंडा का काम होगा काउंटर एक्ट हो। आपके फॉलोअर्स कितने होंगे? आज हरिकृष्ण का फॉलोअर तो हम जानते हैं इंडिया में सभी है, इसमें कौन हरे कृष्ण मंत्र नहीं जानता। हरे कृष्ण को तो सब कोई जानते हैं, तो वही तो प्रोपेगेंडा है। और क्या प्रोपेगेंडा? हमारे हरे कृष्ण आंदोलन कहा जाता है, बाहर में हम लोग को हरे कृष्ण पीपुल कहता है। तो इंडिया का बाहर में ये प्रोपेगेंडा नहीं था, अभी शुरू हुआ है। अरे तो हमारे इंडिया में तो है, गांव गांव में हरे कृष्ण मंत्र का सब चलता है, बाकी उसको गाइडेंस ठीक नहीं है। परदेश में कहाँ कहाँ आपका चलता है? परदेश में हमारा सारा पृथ्वी में 102 केंद्र है। 102 अमेरिका में 40 है और यूरोप में कोई 20 है, कनाडा में 5 है, जापान में 3 है, ऑस्ट्रेलिया में 5 है, न्यूजीलैंड में 1 है, इंडिया में 4 है, ऐसी सब जगह जगह देख सकते हैं। इंडिया में कौन सी जगह है? इंडिया में कौन सी कौन सी? इंडिया में बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, नवद्वीप और वृंदावन। कलकत्ता में है, कलकत्ता के बाद कलकत्ता वृंदावन है, मायापुर नवद्वीप मायापुर बंगाल। दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, दैट यू हैव गॉट लैंड इन हैदराबाद, समबडी हैज डोनेटेड सम लैंड।
आपका अहमदाबाद का प्रोग्राम का मायना क्या है? अहमदाबाद में आपका जो प्रोग्राम है उनका मायना क्या? इधर कोई खास मिशन पे आए अहमदाबाद में? मिशन वही है हरे कृष्णा के। यहाँ सब लोग के दिमाग में एक बात चल रही है कि ये भगवान कृष्णा वो इंडिया में था, इंडिया के थे, और वो फॉरेन वाले यहाँ हरे कृष्ण करके तो मूर्ख लोग करता होगा, कोई जानने वाला नहीं बोलता। और एक दूसरी हवा ऐसी है जो एक एक हवा निकाल दीजिए फिर हवा बजाइए, एक हवा बताया उसको समझ लीजिए। जो कहता है कि कृष्णा इंडिया का है वो कृष्णा को जानते ही नहीं, न तो भगवत गीता पर भी पढ़ा भी होगा। कृष्ण कहते हैं सर्वजीवनिषु कौन्ते असंभवन्ति मूर्तयः, अहंकार ये अहं बीज पिदोपिता, वो भगवान कहते हैं कृष्णा जो सब जोनी में 84 लाख जोनी में जितने मूर्तियां है सबके माता जी है, ये मेटीरियल नहीं चाहिए और मैं उनका बीज पदो पिता। जन्म होने का दो ही होता है माता पिता, तो भगवान बताते हैं कि मैं उनको पिता है और ये जड़ जगत जो है माता। तो इंडिया का कैसा हो गया कृष्ण, जब कृष्ण सबको क्लेम करता है सबके पिता मैं हूँ तो केवल इंडिया का कैसा हो गया? उनका जन्म तो द्वारिका में हुआ है, मथुरा। अरे ऐसा तो सूर्य उदय आप देखते हैं सवेरे आपका देश है, तो सूर्य की आपका देश का हो गया? आप सवेरे देखते हैं सूर्य उदय पूर्व से, आपका देश का पूर्व से उदय हो। मगर कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ वो तो सब भगवत गीता सारी दुनिया में पढ़ते हैं वो बात अलग है। तो उधर आपका जो प्रश्न है ना जो कृष्ण मथुरा में उदय हुआ उसका ही तो जवाब हम देते हैं कि जो पूर्व दिख से सूर्य का उदय होता है इसका मतलब नहीं है कि सूर्य दीप जो है वो सूर्य का पिता हो गया माता हो गया। ये हिप्पी लोग है वो भी हरे राम हरे कृष्ण करते करते वो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, आप उनको कहाँ तक करते जो है जो हिप्पी लोग करते हैं आप लोग नहीं करते? आप हम नहीं करते हिप्पी लोग चरस गांजा पीते पीते भी हरे राम का नाम देते हैं। तो ये तो हरे राम तो सबके लिए है आपके लिए भी है, तो हिप्पी भी करता है आप नहीं करते। हिप्पी जितना नीच है वो करता है आप नहीं करते, ये उसका मतलब निकलता है। इकोनॉमिक्स में नियम है डिमांड और सप्लाई का, डिमांड सप्लाई नहीं। हरे नाम मंत्र ऐसी अच्छी चीज है जो हिप्पी का जैसे नीच है वो भी करता है, हम लोग नहीं करते तो हम हिप्पी से भी नीच हो गया। है ना वो भाई बताते बराबर है, जो पाप करता है उसको भगवान वो भगवान को याद करता है, जो नहीं करता है उसको कुछ भी नहीं है। ऐसे भी ऐसा आप लोग समझते हैं जी, आप लोग पाप नहीं करते हैं तो आप लोग पागल होगा और कुछ कारण बताते हैं जैसे आप लोग बताया कि हिप्पी लोग बोल रहे हैं। हम बताते हैं जो हिप्पी लोग करते हैं आप लोग नहीं करते हैं तो आप हिप्पी से भी नीचे, हिप्पी लोग भी कर लेता इतना पापी होते ही उसे भी नीचे। हम तो ऐसा मानते कि आप लोग आप मानिए बाकी बात यही है, किसी के नीच बोलने से वो उसे ऊपर नहीं उठाया जाता। नहीं आप क्यों हिप्पी को आप हिप्पी को क्यों नीच मानते हैं? आप हिप्पी को क्यों नीच मानते हैं? हिप्पी लोग करते हैं हमने क्या बोला कि आप हिप्पी को ये कहने का मतलब ये है जो ये चीज हिप्पी लोग कर दिया है आपको कहने का मतलब ये कोई अच्छा आदमी नहीं करता हिप्पी लोग करता। हमारा कहने का मतलब ये है कि हिप्पी लोग नहीं करे ये तो सबके लिए है, हिप्पी करता है आप भी कीजिए ये तो सबके लिए है, हिप्पी करने से इसका दोष क्या हो गया?
उसको क्या भूल नहीं है, उसको भूलने का जरूरत क्या है? हिप्पी का क्या बताया नहीं है, वैसा बोला के हिप्पी लोग करते हैं। कहने का ये है, कहने का तात्पर्य है कि कई लोग हरे कृष्ण का नाम नहीं लगाते हैं और बुरा काम करते हैं, यही बात। बुरा काम कौन नहीं करता? लोगों का ख्याल ये है जो हरे कृष्ण हरे राम जो यहाँ पिक्चर जो भी चली थी उसमें जो बताया है इसी तरह यहाँ के लोगों में वो तो बैड प्रोपेगेंडा किया है। नहीं, लोगों में ख्याल है कि जो भी ख्याल तो होगा प्रोपेगेंडा होने से। वो जैसा देवानंद पिक्चर बताया है कि हिपी लोग किया तो वो उसको कहने दीजिए, उसके लिए क्या हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा? हम ऐसा नहीं कहते, लोग ये मानते हैं। लोग तो ज्यादा मूर्ख होता है और एक मूर्ख और उसको सिखाता है मूर्ख होने के लिए, तो मैं क्या करूं? मूर्ख होते हैं, मूर्ख यदि भारतवर्ष में इतना ही आदमी मूर्ख हो गया कि ये जो देवानंद पिक्चर निकाला है ये हिप्पी लोग के लिए, हरे कृष्ण मंत्र क्या है? भारतवर्ष में सब बड़े बड़े आचार्य लोग हरे कृष्ण मंत्र गान करते हैं, वो लोग हिप्पी है क्या? हिप्पी लोग करते हैं उसका सौभाग्य है, और हम लोग नहीं करते, यही हमारे कहने का मतलब। हिप्पी हिप्पी का नाम लिया जाता है जो सोसाइटी से कोई बहिष्कृत चीज है, तो वो भी हरे नाम करते, हम लोग नहीं करते, ये कहने का मतलब। वो जब कर सकता है आप लोग नहीं कर, क्यों कर सकते? आप भी कीजिए, हम करें नहीं करें इससे कोई मतलब तो फिर नहीं। उसका बात क्यों लाते हैं? नहीं, उसका बात इतने लिए, इसके लिए लाते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि तो हरे लोग का आगे है, लोग का रिप्रेजेंटेटिव तो आप है, इसलिए तो आप कह रहे हैं। नहीं साहब, देखो स्वामी जी, एक तो प्रश्न है कि जो लोगों के दिमाग में जो छाप है वो तो आपके समक्ष रजू करना चाहिए। हाँ, इससे हमारा कहने का मतलब है जो हिप्पी लोग अगर हरिनाम किया तो उसमें क्या दोष होगी? लोगों तो अवॉइड करने चाहते हैं, वो तो हमारा चाहते हैं जो ये चीज कुछ नहीं है, यही भी लोग कहेंगे हमारे नहीं है, हम तो एडवांस हमारे हमें ये चाहिए, हम वो दोषी थे और नीच है ऐसा हम नहीं कहते। नहीं, उसका विषय पूछने का कुछ मतलब तो होता है ना, क्यों हिप्पी के लिए क्यों पूछता है? हमने इसके लिए पूछा कि लोग ऐसा मानते हैं, आप पहले हमें समझ लो एक मिनट, लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो हरे राम हरे कृष्ण के नाम लेकर ये जो हिप्पी लोग करते हैं तो उससे क्या असर पड़ती है लोगों पर? वो असर आपको देख में नजर में नहीं आता है? सपोज ये लोग हिप्पी था, अब क्या है? ये सब हिप्पी थे मान लिया, तो आप तो बोल रहे हैं कि हिप्पी लोग हरे कृष्ण बोलता है, समझ लीजिए ये लोग सब हिप्पी थे। अब हरे कृष्ण बोल के स्टेज में आया तब क्या आप देख रहे हैं? नजर में नहीं आता, सामने नजर से देख लीजिए। मान लिया हिप्पी लोग ही है ये, अब नजर में क्या आता है? हम तो ये कहते हैं आपका ऐसा प्रचार हो रहा है बाहर। आप हमको क्यों पूछते हैं? आप नजर से देख लीजिए ना, आप आंख में तो देख लीजिए क्या होता है। मान लिया ये लोग हिप्पी है, होता ही है पापी तापी जो तो छिलो हरिनामे उद्धार, चैतन्य महापुर का मूवमेंट है, जितने पापी ताफी आए उसको उद्धार कर लो, तो समझ लीजिए ये लोग हिप्पी भी थे। अब नजर लगा के देख लीजिए ये लोग क्या है। So according to you, this Hare Krishna movement has nothing to do with the hippie movement. Yes, it can improve anyone, it can purify anyone, even after the hippies. That is Hare Krishna. Are you doing any social service or social? This is the best social service. If you consider them hippies, they have given up everything. Is it not social service? The government of America is spending millions of dollars to stop this LSD. But anyone who comes to me, he immediately gives up this. Is it not social service? The best social service. क्या आप लोग को क्या राय है? जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उसको एलएसडी हटा नहीं सका, और हरे कृष्ण नाम जप करके हमारा बचा करके एलएसडी छोड़ दिया, इज इट नॉट सोशल सर्विस? व्हाट डू यू थिंक? इट इज वन टाइप ऑफ सोशल सर्विस डेफिनेटली, बट आई लेट मी डू वन साइड,
rather side you can do. Why you interest all the sides upon me? Why you are there? At least I am doing one side. Don't you give me any credit for this? आप जैसे को तो क्रेडिट की जरूरत ही नहीं रहती। तो फिर क्या करें हम? आप जो करते हो बराबर है, आपको क्रेडिट की क्यों चिंता होने लगी? फिर आपसे हमको पूछने का कोई जरूरत ही नहीं, हमारे कुछ तो जरूरत ही नहीं है। आपके आपने गुजरात में कुछ काफी मंदिर की मुलाकात किया, द्वारका और डाकोर के और चलो इंडिया का जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी के बारे में आपकी मूवमेंट कैसे हेल्पफुल होगी? पॉवर्टी पहले नहीं था क्या? वो तो मैं हम नहीं जानते पहले से क्या था वो। हम तो जानते हैं इंडिया थी ऐसे हमने पढ़ाई, हमारा उम्र तो ज्यादा है, हम तो जानते हैं। हम जब बम्बई जाते हैं इनको दिखाते हैं जी, देखो जी ये फुटपाथ में जो लेटे हुए है, 50 वर्ष पहले मैं यहाँ था, ये फुटपाथ में लेटने वाला उस समय भी था, और उस समय चावल का कीमत था 2 आना शेर, अब 2 रुपया है। तो खा करके तो 2 रुपया वाला चावल तो खाता है, इसका इनकम तो बढ़ गया है जरूर, फिर फुटपाथ में क्यों लेटे? इसका सॉल्यूशन दुनिया में रहेगा, खाली आपके देश में नहीं, आप पश्चिम देश में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, वो फुटपाथ में सोने वाला बहुत मिलेगा, लंदन में बहुत मिलेगा, लंदन में बेडफोर्ड पार्क में हम जब सवेरे मॉर्निंग वॉक करने जाते बहुत से लेटे फुटपाथ में, कागज ओढ़ के लेटे हैं कि उसके पास पैसा है नहीं क्या, तो उसका बैकग्राउंड इंग्लिश नेशन ब्रिटिश एम्पायर है, वो क्या फुटपाथ में लेटते हैं, उसको क्या जवाब है? और उसको खुशामुदी किया जाए, तुम काय फुटपाथ में लेटते हो, आओ तुम्हारा ऐसे मकान इधर बना देते हैं, नहीं जाता, इसका क्या जवाब है बोलिए? शौक होता है उनको, तो शौक में भी तो गरीब होता है, गरीब तो गरीब वाला तो है, ऐसा है शौक से है चाहे फोर्स है, वो चीज है, ये नेचर का नियम है। कोई कहेगा हम शौक से गरीब बना है, कोई कहेगा हम फोर्स से बना है, बाकी गरीब वाला रहेगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास आदमी रहेगा, सब समय कभी अमीर नहीं बनेगा, नहीं, ये इसका जगत का नियम ही है। कहीं भी जाइए, ये है एक क्लास फुटपाथ में लेटने वाला दरिद्र बनने वाला, वो है, हम तो सारा पृथ्वी घूम रहे हैं, सब जगह पर, अमेरिका इतना बड़ा भारी नेशन है, उधर न्यूयॉर्क में जाइए बावड़ी स्ट्रीट है, तमाम फुटपाथ में लेटे हुए हैं शराब पीकर, कोई मोटर खड़ा हो गया वो आ गया, थोड़ा मोटर उसको साफ कर दिया, $1 उसको दे दिया, कोई गरीब समझ कर उसी वक्त गया एक बोतल ले आया $1 का पिया, सो गया हजार वहाँ, खाली एक शहर में नहीं कोई भी शहर में जाइए अमेरिका में, यह है बम्प उसको कहा जाता है, पैसा सब कुछ मिलता है अमेरिका में, पैसा का कोई अभाव नहीं है, है किसी का थोड़ा है मोटा ऐसा एक कपड़ा से थोड़ा ऐसा साफ कर दीजिए, फिर गिव इमीडिएटली $1, $2, $1 मीन्स 10 रुपीज, $2 मीन 20 रुपीज, तो ही गेट्स मनी इनफ मनी, एंड वाई इज पुअर, इसको क्या जवाब बोलिए? ये जो पॉवर्टी है ये सारा दुनिया में है, खाली आपको भारतवर्ष में नहीं है, नहीं चाह प्रकृति का जो काम होता है सब जगह में, एक प्रकृति क्यों माना नहीं गुण करवानी सर्वस, प्रकृति का गुण जो है वो सब जगह काम करता है, ये आपने समझिए कि खाली भारतवर्ष में ही पुअर है, जहाँ धन का कोई अभाव ही नहीं है, रास्ता में धन गिरा हुआ है उधर भी पॉवर्टी है, क्यों है उसको क्या जवाब है बोलिए? आप अगर समझते हैं कि धन होने से पैसा होने से पॉवर्टी सब मिट जाएगा, नहीं वो नहीं मिट सकता,
जिसको भाग में पॉवर्टी भोगना है वो धनी का घर में जन्म होने से भी उसको भोगना पड़ेगा। जैसे एक आदमी धनी का घर में जन्म हुआ और बीमार है तो वो धनी क्या अच्छा डॉक्टर और अच्छा मेडिसिन नहीं दे सकते, तो फिर वो क्यों बीमार रहता है। ये अमेरिका में है टाइटैनिक जहाज निकाला गारंटी, जो ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, और फर्स्ट वॉयज में ही डूब गया एटलांटिक, आप लोग सब जानते। तो फिर अच्छा जहाज बनने से डूबेगा नहीं ऐसा कोई गारंटी है क्या? दवाई होने से ही आदमी जी जाएगा मरेगा नहीं ऐसा कभी हो सकता है? इसी प्रकार जो प्रतिविधि है, आप लोग सोचते हैं कि ये बीमार है, ये दुख है, इसकी प्रतिविधि यह है, वो प्रतिविधि कुछ काम का नहीं होगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, बेकार है, ये इसका प्रमाण। जब तक इट इज नॉट सैंक्शन्ड बाय द सुप्रीम विल, यू मे प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ काउंटर एक्शन, द थिंग्स विल गो ऑन। अभी जैसे बता रहे थे, अभी पानी है नहीं, उसमें भी दुर्भिक्षा है, अब जब पानी हो जाएगा उसमें भी दुर्भिक्षा। बोलिए जी काका जी, आप अभी बतला रहे थे, यू जैसे एक्सप्लेन, यू जैसे एक्सप्लेन थी गुजरात में का तो लीलो दुकान में सुखो दुकान वर्षों थी चालतो जा रहे थे, नर्मदा रहे नर्मदा। ये जो प्रकृति का जो नियम होता है, जो पानी होने से भी दुख, पानी रहने से नहीं रहने से भी दुख, इसको कैसा हटाइए? इसलिए गीता में बताते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्व अहंकार विमूढ आत्मा कर्ताहम इति मन्नत, सब प्रकृति से काम हो रही है, और जो मूर्ख है वो समझते हम कुछ कर लेंगे। इसे आप ऐसे गरीबों को क्यों आपके अनुयायी नहीं बना देते हो? क्या ये आपने जो बोला कि हर शहर में गरीब है, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, गुमा देते हैं, आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बनाते हो आपके फॉलोअर्स? तो आपको हुकुम मानना है क्या? हाँ? जो गरीब को हमको बनाना है क्या? आप क्यों नहीं बनाते है? हम तो आपके स्थान पर नहीं है, तो हमारे स्थान के गरीब को बनाना है क्या? नहीं, आपने जो बोला है ये सबको, आप ये हरे राम हरे कृष्ण का ये क्यों चलाते हो? गरीब जो जन्नत में जाते हैं उनको जन्नत में यानी भेजने के लिए बना रहे हो? ये सभी जानना में दिया था, इसको बचाया नहीं, यानी ये सोशल वर्क है कि गरीब लोगों को आप समझाओ और वो लोग वहाँ से निकल कर आप में आ जावे तो ये ऐसे सुखी हो जाए ना। हाँ, तो हम भी तो यही काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? हमें नहीं मालूम है, इसके लिए तो आपको पूछते हैं कि आप उन लोगों को बोलता है जो जितने गरीब है दुखी है सभी को हम बनाते हैं भगवत भक्त। हाँ, आप क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं है दुखी नहीं है? आप भी आइए, आप क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं है दुखी नहीं है? बोलिए, हम तो नहीं है गरीब। हाँ, दुखी क्यों समझते हैं आप गरीब नहीं है? हम नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन बहुत है। तो सेटिस्फेक्शन तो गधा का भी होता है, सेटिस्फेक्शन तो गधा का भी होता है, दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा लगता है, सेटिस्फेक्शन है थोड़ा घास खा कर, वो सेटिस्फेक्शन तो गधा में क्या? जब आप दिन भर परिश्रम करते हैं रोटी के लिए, आप सुखी का है? तो फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है ना। हाँ, तो कोई भी कारण है, परिश्रम करने पड़ता है गधा का, ऐसा वो भी सेटिस्फाइड है घास खाकर। आप क्यों परिश्रम करते हो ये सब? हाँ, हम भी भगवान के लिए परिश्रम, इतना ही तो फर्क है। आप फैमिली के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, इतना ही तो फर्क है। सब लोग अनुयायी क्यों नहीं बनते, इसीलिए मैंने बताया कि वो फैमिली की सब नहीं बन सकता है। भगवान का जब तक सैंक्शन नहीं हुआ, ये तो बोलता है कि गरीब होने से केवल उसको धनी बनाने के प्रयत्न करने से धनी नहीं बन सकता, जब तक भगवान की कृपा ना हो, यही तो हमारा कहने का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान को बैक टू गॉड है, ये हम लोग समझते हैं। हम गरीब अमीर का विचार नहीं करते, कि तुम्हारा जितना दुख है उसको मिटाने के लिए भगवत भक्ति को अवलंबन करें, ये हम लोग का प्रबंध। स्वामी जी, ऐसा है कि आपकी बात तो सच है कि जो गरीब है उनको
भले हमारा गरीब के लिए कोई माना नहीं है, आप समझते हैं आप धनी है, आपको आने का जरूरत नहीं है, जो समझता है कि हमको जरूरत है वो आता है, हमारे लिए गरीब अमीर का कोई विचार नहीं। ये बात सच है आपकी, मगर आप जो है जो आपका प्रोग्राम चलता है या जो प्रोग्राम चलता है वहाँ धनी का आदमी आ सकता है, ऐसी इम्प्रेशन है लोग में। आप पराग विस्तार में जाओ कि जाओ तो आदमी का कुछ इम्प्रेशन रहे तो मैं क्या करूँ। इम्प्रेशन नहीं, वो महात्मा गांधी थे वो झोपड़े में जाते थे, वहाँ जाके बैठते थे, खाना खाते थे, रहते थे और गरीब के बीच में काम करते थे, तो इसीलिए वो महात्मा बना। पर आजकल क्या होता है कि कई महात्मा ऐसा होता है बंगले में रहते हैं, हम तो सबको गरीब समझते हैं, आपको भी गरीब समझते हैं, उससे वो तो आपकी बात ठीक है। भगवत ज्ञान नहीं है उससे दरिद्र और गरीब कोई हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी भगवान ने महात्मा गांधी से महात्मा गांधी आपका आइडियल हो सकता है, बाकी हमारा आइडिया है कृष्ण। नहीं नहीं, ये भाई बताते हैं कि महात्मा गांधी ये जो गरीब की झोपड़ी में भी जाते थे उसका उद्धार करने के लिए। हाँ। आप क्या कुछ करते हो ऐसा? तब तो ये सभी गरीब का झोपड़ी में जाते हैं। हाँ तो बराबर हो गया, तब आप खुशी है। खुशी नहीं, हमारी खुशी इसमें कोई काम नहीं है, ये तो लोग पढ़ेंगे कल, ये इसमें हमारी आपकी मूवमेंट के बारे में हमको बुलाया गया। आप जनता की जो देखो, ये तो आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें बुलाया गया है। हम भाई कुछ ना मानते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए आपसे भाई। ये रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर क्लास एंड नॉट टू ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। भाई हम जब अपना दरवाजा खोल दिया सबके लिए तो गरीब आता नहीं क्यों? नहीं आपका नहीं, इसका जवाब दिया क्यों गरीब आता नहीं? हम तो किसी को तो मना नहीं किया। होती है ये इधर आने में, ये विस्तार ये बंगले में कोई गरीब नहीं आएगा स्वामी जी। अभी मैं पांच गरीब आदमी को बोलूंगा, हमारा जो मंडल है आप साबरमती के किनारे पर जो झोपड़ा बंद कर जो रहे होंगे तो सब गरीब आपके पास आते। हम कहते हैं जो हम जो उधर मंडप खोल दिया है तो उसको ऐसे तो लिखा नहीं है कि गरीब के लिए नहीं है, ऐसे लिखा है कुछ? बहुत सी चीज नहीं लिखी होती है तो भी लोग पढ़ लेते हैं। जबरदस्ती क्या होता है? हमारा जब दरवाजा सबके लिए खुला है तो क्यों आते नहीं गरीब लोग? उनके आने में झिझक होती है पहली बात तो। फिर उसको समझाए उनको जो क्यों नहीं जाते? वो तो आपका काम है, तुम्हारा काम है, हम तो सबके लिए खोल दिया। तुम गरीब का एडवोकेट है, वहाँ जाके समझाओ। नहीं करते हैं स्वामी जी। स्वामी जी यहाँ जगदीश मंदिर है, वहाँ ये मंदिर ऐसा है कि वहाँ जो कोई आदमी खाने के टाइम पे जाते हैं तो गरीब को भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और उनको खाना मिलता है। वो हमारा सब मंदिर में ऐसी है जी। हाँ जितना मंदिर सब मंदिर में तो ये मंदिर है, हमारा तो ये मंदिर नहीं है तो टेम्पररी कैंप खुला है और इसलिए इन लोग को मैं बोल भी रहा था जो तुम्हारा खाने प्रसाद वितरण का व्यवस्था क्यों नहीं किया, तो वो हमारे सब मंदिर में। ये मंदिर का अर्थ यही होता कि जो कोई है उसको प्रसाद मिलेगा। ये हमारा 102 मंदिर जो है ना सबके लिए खुला है और जो आए उसको प्रसाद मिलेगा, ये मंदिर का नियम ही है। खाली जगदीश मंदिर नहीं, कहीं भी मंदिर है ये नियम है। अभी हमारे मुंबई में जो मंदिर है उधर जो कोई जाए प्रसाद मिलता है, हमारा कलकत्ता में जो मंदिर है जो कोई जाए। प्रसाद अलग बात है, खाना अलग बात है। प्रसाद नहीं, बैठ के खाओ और क्या, खाना का क्या मतलब होता है? तो पेट भर के खा सकते। हाँ वही तो बात, संतोष होगा कि नहीं? हाँ बैठ के बैठो, बैठ के खाओ, जितना खुशी तुम्हारा। अहमदाबाद में तो हमने कई मंदिर देखे मगर एक ही मंदिर है जगन्नाथ का देखा है जो उसी में ही मिलता है। तो खैर वो मंदिर का आइडियल है, संबंध में ऐसी होनी चाहिए। अच्छा रशिया में आपका कोई सेंटर क्यों नहीं है? आपको कैसे मालूम नहीं है? नहीं आपने जो बताया इसी पे से बोलते हैं, इसमें रशिया का नाम नहीं बताया आपने, जो बताया इसमें रशिया नहीं है। रशिया है, रशिया है। कितने केंद्र है वहाँ? एक है, मॉस्को में है। अच्छा, गवर्नमेंट की ओर से कोई तकलीफ है वहाँ? बहुत है। खास करके कौन सी प्रकार? वो डिस्कशन करने का है तकलीफ बहुत। नहीं कैसी तकलीफें हैं? वो लोग चाहते नहीं कोई भगवत कथा मॉस्को में हो। वो तो जब हम रशिया में गया था मॉस्को में, वो कस्टम क्लियरेंस में एक भगवत गीता हमारे बैग से निकला,
तो पुलिस तो बुला के ले आया। अब पुलिस बेचारी देख दाख के वो कह दिया नहीं ठीक है जा रहे, नहीं तो शायद अरेस्ट कर ले। तो क्या किया, भगवत गीता किताब था उसको देख करके वो कस्टम ऑफिस है पुलिस को बुला के लिया। तो ऑफिसर को बेचारे को मालूम नहीं होगा कि इसमें भगवान का सब लिटरेचर नहीं, जो कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति है। अच्छा। देख भगवत गीता देखने से पुलिस को बुला दिया और हमारा आदमी बाजार में कोई चीज खरीदने को जाता था तो डिटेक्टिव पूछता है व्हाट इज योर क्रेडेंशियल, व्हाट इज योर क्रेडेंशियल, सब समय भाई जी तो रशिया के विषय में हमारे साल की बात है वैसे ही 1971 पब्लिश करे रशिया की बात अब मंजूर है क्या भगवान ने नहीं, तो बात सही है रशिया अभी तक प्रचार कर અંડરગ્રાઉન્ડ મુવમેન્ટ જેવું ત્યાં આગળ લોકો કે મંદિરમાં નથી ઘટેલો અંડરગ્રાઉન્ડ પીએન અંડરગ્રાઉન્ડ કામ કરે છે એટલે અમે છાપવાથી શું થાય પોલિટિકલ ક્વેશ્ચન થઈ જાય ને જે લોકો બીજા કરતા હોય એમને હેરેસમેન્ટ થાય એટલે થોડા વખત સુધી છાપવા જેવું હોય તો એક જ છે પછી એને લાઈફમાં લાંબી જણાવ થાય છું કે ગ્લોબલ મુવમેન્ટ મુશ્કેલી પડે એ વખતે સોલ્જરો ને ગીતા એ લોકો આપતા હતા સાથે રાખવા માટે કે ભાઈ કૃષ્ણ એ પણ છે તે લડી લડવાનું કીધું છે માટે તમે છે તે એના માટે લડી લડો એમ કારણ કે આપણું આ ધર્મ હિત છે કારણ કે રશિયામાં જે મુવમેન્ટ ચાલે છે હમણાં જ્યાં કે અંડરગ્રાઉન્ડ છે લોકો અંડરગ્રાઉન્ડ માં મળે છે ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે કે એવું ચાલે છે એને આપણું પબ્લિશ કરીએ તો લોકોની મુસીબત વધી જાય ને समझ दीजिए एक एक केंद्र में 50 है दूसरा कुछ बताना होगा आपको 7 वर्ष में 102 मंदिरों बनाया जाए હરે કૃષ્ણ જ્યારથી એમ કે આની આટલી મુવમેન્ટ જોરદાર ચાલવા માંડી ત્યાર પછી ની આ વાત છે ऐसी फॉलोअर तो लाखो है। आई एम स्पीकिंग ओनली 7 वर्ष ની અંદર 7 વર્ષ ની અંદર આટલા બધા સાધુ પરદેશો બનાવ્યા એના માટે શું તે મંદિરો બનાવે એવું તો આટલા શોર્ટ ટાઈમ માં કરવું એ કઈ નાની સુની વાત નથી ખાલી ઇતના કિતાબ બનાયા 20 કિતાબ સન્યાસી એટલે પેલા પાસે સન્યાસી આપણે જે કહી દેવા ને એમાં ઘણા એમાં ફેમિલી વાળા એટલે આ ડેડિકેટેડ ટુ હમારા એક ફોલોઅર હૈ યે લોગ સારા દિન ક્યા કરતે હૈ હરિ નામ જપ કર અચ્છા સારા દિન ઓર દૂસરા કોઈ કામ નહીં કરતે દે આર ડુઇંગ ધીસ પ્રિન્ટિંગ વર્ક સેલિંગ ઓફ બુક્સ એન્ડ એવરીથિંગ ગરીબો કેમ નથી જતા
એ જાય છે પણ લેંગ્વેજનો સવાલ હોય, બીજા બધા ઘણા હોય છે, મારે લોકલ લોકોનો પાછો સરકાર. લોકલ આપણે જેમ આ ભાઈએ કહ્યું હું એમ કે લાઈફ મેમ્બર છું તો એમને બી સાથે જવું છે ને, પાંચ માણસ જાય છે અહીંયા. હવે અહીંયા આની મુવમેન્ટ માં તો જાણો છો ને આપણો પ્રોબ્લેમ જતો રહે. જે મિશનરીઓ આવે છે ને એ બધા એમ કે લોકલ માણસોને લઈને પ્રચાર કરે છે. ગ્રહણ કરી શકો છો કે ગમે તેની અંદર ફેઈથ રાખી સરેન્ડર યોર સેલ્ફ ટુ ગોડ, પછી કૃષ્ણ માણસ ગમે તે તો માનો. હવે એ પોતે કૃષ્ણ નું પેલું કરતા હોય તો આપણે કૃષ્ણ બરાબર છે, પણ એક વસ્તુ ગોડ કોન્શિયસનેસ થવું જોઈએ. એ તો દરેક જો કેવું છે, જો કે એમના સંન્યાસીઓમાં એક અંદર વસ્તુ એવું છે ને કે ના ના એક મિનિટ, એમના સંન્યાસીઓમાં જબરજસ્ત એવી લાગણી છે આપણે જે અભિમાન નહીં લેવું જોઈએ ને, જે વસ્તુ આપણે ગ્રહણ નથી કરતા, આપણે નથી કરતા, ત્યાંની અંદર આટલો પ્રચાર થયો છે, આપણે શું ત્યાંથી લઈએ છીએ, ત્યાંથી ઇફિઝમ લઈએ. આપણે ગ્રહણ કરતા નથી એમ તમે કહો, હું શંકર ભગવાન ને માનું છું તો રોજ શંકર ભગવાન ની પૂજા કરું, આપણે છતાં પણ ઇફિઝમ ત્યાંથી લઈએ. મને બધા માનતા છે, માત્ર હરે કૃષ્ણ હરે રામ ને માનતા. તમે પહેલા સવાલ કરો તો ને કે ભાઈ કૃષ્ણ હિન્દુસ્તાન માં થયા અને પરદેશ માં લોકો હરે કૃષ્ણ કેમ કરે છે, તો હું એ કહું છું કે હિપ્પીઝમ અમેરિકામાં થયું છે તો હિન્દુસ્તાનમાં હિપ્પીઓ લોકો કેમ હાલના જુવાનીઓ થવા માંડ્યા છે. કારણ કે પરદેશના દૂષણો ઇમ્પોર્ટ કરવાનો આપણો ધંધો છે, પરદેશનું સડેલું અનાજ આપણો લાવવાનો ધંધો છે. આપણે અહીંયા લાખો અનાજ સડી જાય છે, છતાં પરદેશનું અનાજ સડેલું લાવીને આપણે લોકોને ખવડાવી દઈએ. એમ પરદેશનો સડો હિન્દુસ્તાનમાં ઇમ્પોર્ટ કરવાનો એક આપણું કહો કે ગ્રહણ કરે. અત્યારે લોકોની ત્યાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમ સ્વામીજી એલએસડી પર એ લોકો જીવવું પડે, એલએસડી માંથી છૂટવા માટે શું કરવું જોઈએ, આખી મુવમેન્ટ એ લોકો અપનાવી જાય, હરે કૃષ્ણ કરો સરેન્ડર કરો તો અમારે છૂટીશું. એ લોકો એટલા બધા કોન્શિયસ છે, જયારે આપણે અહીંયા કોલેજમાં એલએસડી દાખલ થવા માંડી છે. તો ટાઈમ